हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। आज है हमारे चैलेंज का 10th डे एंड आज भी हमने प्रॉफिट बनाया है एंड इसका वेरीफाइड लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड यहां पे सेंसिबल पे आके भी आपको दिखा देता हूं जो मैंने अभी वेरीफाई किया है। एंड फिर हम बात करेंगे मार्केट के बारे में, क्योंकि आज मार्केट ने एंडिंग में काफ़ी बड़ा मोमेंटम दिखाया है, तो उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा। ये देखो, यहाँ पे वेरीफाई कर दिया 4093 एंड अभी तक हम चैलेंज में पूरा ग्रीन रह चुके हैं। तो अब मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ निफ्टी में आज एंडिंग में क्या हुआ है। यहाँ पे देखो, 15 मिनट चार्ट पे देखोगे तो आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल को लेके गए होंगे लेकिन सारे ट्रैप होने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको छोटा करोगे, देखोगे यहाँ पे एक आ रही ट्रेंड लाइन, जिसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि वहाँ पे अभी तक सिर्फ 3 बार टच हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 4th टाइम टच होने के बाद 5th टाइम के बाद में ब्रेकआउट देगा, जो कि सस्टेनेबल होगा। तो आप यहाँ पे कल मार्केट खोलते ही कॉल की साइड मत जाना, अगर ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट होता है तो आप यहाँ पे कॉल की साइड जा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कॉल को सेलिंग करके यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट के आसपास आप कर सकते हो निफ्टी के अंदर। 100 पॉइंट बहुत बड़े हैं लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, तो साइड आ ही सकता है।